नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने आधुनिक युग के टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट के बढ़ते व्यापार के बारे में जानकारी साझा किया है। जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन में घरों में बिताने के साथ इंटरनेट के सहारे मनोरंजन, घरों में काम, वर्चुअल मीटिंग के जरिए काम किया है, उसी तरह प्रचार व्यापार में भी इसका प्रभाव अधिक रहा है। समय बिताने के लिए क्रिकेट, लूडो जैसे खेलों का एप्स बहुत ज्यादा डाउनलोड हुआ। जिस तरह सोशल मीडिया में लोग के सोच प्रकट किया जाता है या लोग समय बिताते हैं, लोगों का सोच या विचार को सोशल मीडिया प्रभावित कर रहे हैं। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने ज्यादा वीडियो कॉलिंग से फटीग जैसे रोगों के लक्षणों के बारे बताया है। वहीं सर्वज्ञ राज ने गांधी जी के पसंदीदा खाने के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। खाली वक्त को भरता मनोरंजन उद्योग पहुंचा नए शिखर पर। एक समय वक्त गुजारने के लिए अंताक्षरी, ताश और दूसरे घरेलू खेलों का सहारा लिया जाता था। दूरदर्शन के आगमन के साथ इन चीजों में तब्दीली आने लगी और यह जुमला आम हो गया कि अब इतने काम है कि वक्त ही नहीं बचता। पर भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच हाल के वर्षों में खाली वक्त ने इतनी जोरदार वापसी की है कि देश दुनिया की तमाम कंपनियां टाइम पास के हमारे सगल को भुनाने में कारोबारी कसरत में जुट गई है। इसमें ताजा सनसनी तमाशाई क्रिकेट के आला फॉर्मेट आईपीएल की इस साल की प्रायोजक बनी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन है। टाइम पास उद्योग में इतने ज्यादा पैसे कमाने की क्षमता कहां से पैदा हो गई कि एक गेमिंग कंपनी आईपीएल के प्रयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए फेंक दे। इस साल के आईपीएल की प्रायोजक एक चीनी मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी थी, जिसे लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच हटना पड़ा। इसके बाद प्रायोजक बनने की होड़ में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन ने जिस तरह बाजी मारी, उससे साफ है कि हमारे टाइम पास का साजो सामान जुटाने वाली चीजों के लिए नया आसमान खुल गया है, जहां असीमित कमाई के मौके हैं। इन सब की शुरुआत इंटरनेट के अभ्युदय और मोबाइल इंटरनेट के रूप में उसके विस्तार के साथ हुई है, जहां लोगों को मनचाहे वक्त, एकांत और बेहद कम कीमत पर खाली वक्त में मनोरंजन के लिए साधन मिल रहे हैं। जब दुनिया महामारी के शिकंजे में फंसी है और तमाम कारोबार लगभग ठहरे हुए हैं, तब ऑनलाइन गेमिंग और मनोरंजन उद्योग नए शिखर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच जिन चीजों की मांग और जिन कंपनियों के व्यवसाय में वृद्धि हुई, उनमें सबसे अहम भूमिका उस मनोरंजन उद्योग की है जिसे अब टाइम पास इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। मार्केट डाटा सुपर ट्रैकर के आकलन के मुताबिक विगत मार्च में ही लोगों ने डिजिटल वीडियो गेम खेलने और उन्हें डाउनलोड करने में 10 अरब डॉलर खर्च कर डाले थे। ऐसी ही स्थिति ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी, कंसोल गेमिंग और पर्सनल कंप्यूटर पर खेले जाने वाले गेम्स की रही, क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत में ही इसका व्यवसाय अरबों डॉलर तक बढ़ गया। स्मार्टफोन पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर मार्च में दुनिया में 5.7 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। इन खेलों के अलावा टाइम पास इंडस्ट्री में जिन चीजों का सबसे ज्यादा दांव लगा है, उनमें रम्मी, कार्ड गेम, अपनी आईपीएल टीम बनाने और कार रेसिंग जैसी प्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल पर चलने वाला गेम्स है। ऐसे कई खेल शुरुआती चरणों पर मुफ्त उपलब्ध होते हैं, जबकि ज्यादा रोमांच का एहसास करने वाले 2% खिलाड़ी ऊंचे चरणों के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। यह 2% का आंकड़ा भी काफी आकर्षक है, क्योंकि इसी के बल पर ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां अरबों का कारोबार करने लगी है। व्यवसाय पर कब्जे की होड़ का ही नतीजा है कि हाल में पेटीएम से गूगल का विवाद हो गया। पेटीएम ने आईपीएल को भुनाने की कोशिश के तहत स्क्रेच कार्ड और कैशबैक का एक नया ऑफर ग्राहकों को पेश किया था, इसे गूगल ने अवैध बताते हुए पेटीएम को प्ले स्टोर से कुछ समय के लिए हटा दिया। टाइम पास इंडस्ट्री का एक विस्तार ओटीटी ओवर द टॉप कंटेंट का भी है, जिसके तहत स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी के जरिए फिल्में, वेब सीरीज आदि मुहैया कराई जाती है। जब हमारा खाली वक्त पहले से ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक
या यूट्यूब से घिर चुका था, तब ऑनलाइन गेम्स, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी मंचों को देने के लिए और वक्त कहां से आ गया। इसमें लोगों की होने वाली कमाई की भी भूमिका है। टिकटॉक के हमारे देश के 20 करोड़ यूजर थे जो रोजाना इस पर अपने वीडियो डाल खुद कमाई का जरिया खोलते थे। हालांकि इंटरनेट कंपनियां उनसे हजारों गुना ज्यादा कमाई करती है। टाइम पास इंडस्ट्री का खतरनाक पहलू यह है कि इसने ना सिर्फ हमारी दिनचर्या में दखल दिया है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत यह सोच प्रक्रिया पर भी पकड़ बना रहा है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वीडियो फैटिक, ज्यादा वीडियो कॉल से हो सकती है ये गंभीर बीमारी, इन लक्षणों पर हो जाए सावधान। लॉकडाउन की वजह से अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। वर्क फ्रॉम होम के चलते ऑफिस की सभी मीटिंग वीडियो कॉल के जरिए हो रही है। ज्यादा वीडियो कॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अधिक वीडियो कॉल करने से वीडियो फटी हो सकता है। आइए आज जानते हैं कि क्या होता है वीडियो फटी, इसके लक्षण और ज्यादा वीडियो कॉल से क्या समस्याएं हो सकती है। वीडियो फटीग का मतलब थकान से है जो अधिक वीडियो मीटिंग या कॉल से होती है। आजकल वीडियो कॉल जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जिस वजह से ये समस्या आम हो चुकी है। अधिक वीडियो कॉल से सेहत को नुकसान, सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिक वीडियो कॉल करने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती है। अधिक वीडियो से बचें। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अधिक वीडियो कॉल से बचना ही आपके लिए बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों से अधिक इस्तेमाल से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इस समय जरूरत पड़ने पर ही वीडियो कॉल करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। आंखों को नुकसान। एक शोध के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अधिक इस्तेमाल करने से आंखों को नुकसान हो सकता है। इनका अधिक इस्तेमाल करने से आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है, जिस वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। वीडियो कॉल बिगाड़ सकती है आपकी दिनचर्या। इस तरह काम का अधिक दबाव होने के कारण हो सकता है आपको काफी समय वीडियो कॉल पर रहना पड़ रहा हो, जिस वजह से आपकी दिनचर्या खराब हो सकती है। अगर आपकी दिनचर्या खराब हो गई तो आपका इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जानिए किन बातों को का ध्यान रखना जरूरी है। कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो। आप घर में जिस कमरे में काम कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी होना बहुत जरूरी है। वीडियो कॉल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कमरे की रोशनी कम ना हो। कम रोशनी होने पर आपकी आंखों में ज्यादा जोर पड़ेगा और जिस वजह से आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ब्रेक लेते रहें। लगातार काम करने से बचें। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक ही अवस्था में ना बैठें। काम करते समय एक ही अवस्था में ना बैठें। आप काम के बीच में कमरे का एक चक्कर लगा सकते हैं। लगातार वीडियो कॉल से बचें। आप काम तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, इसलिए इस समय लगातार वीडियो कॉल से बचें। जरूरी हो तो ही वीडियो कॉल करें। बेहतर है आप अपनी टीम में से ईमेल के द्वारा बातचीत करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। काम का अधिक तनाव आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। पर्सनल और प्रोफेशनल वीडियो कॉल्स में बैलेंस बनाएं।
पर्सनल वीडियो कॉल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत करने से हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय पर्सनल वीडियो कॉल के समय मैं प्रोफेशनल वीडियो कॉल से दूर रहे। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल वीडियो कॉल में बैलेंस बनाना होगा। छुट्टी के दिनों में ना करें इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग। इस समय स्वस्थ रहने और वीडियो फटिक से बचने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते हैं। छुट्टी के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूरी बनाने की कोशिश करें। अगर आप छुट्टी के दिन ऐसा नहीं कर सकते पर पाएंगे तो प्रतिदिन कुछ समय इन चीजों से दूर रहें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। गांधी जयंती पर विशेष चीनी खाने से परहेज करते थे बापू, लेकिन फलों का राजा आम बहुत पसंद था। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है। शांति और अहिंसा के दम पर उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह और आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उन्होंने अंग्रेजों करता था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर पैदा हुए मोहनदास अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व के जरिए महात्मा हुए। देशवासियों ने प्यार से उन्हें बापू कहकर पुकारा। उनकी सात्विक सोच के साथ उनका खान पान भी बेहद सादा रहा। अहिंसा के पुजारी बापू शाकाहारी थे। महात्मा गांधी अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के चलते दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजे करते थे हैं। वे शाकाहारी थे और तामसी भोजन से दूरी बनाए रखते थे। अपने जीवन के एक वक्त में उन्होंने चाय और कॉफी तक का त्याग कर दिया था। खानपान के साथ गांधी जी ने बहुत तरह के प्रयोग किए। इतने प्रयोग शायद ही दुनिया में किसी शख्स ने किए होंगे। गांधी जी चीनी के जी सेवन से परम परहेज करते थे, लेकिन फलों का राजा आम उनका पसंदीदा फल था। साल 1941 में गांधी जी ने लिखा था कि आम एक श्रापित फल है। यह सारे फलों में अपनी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वह खान पान को विशेष महत्व देते थे। बापू का मानना था कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें शुद्ध हवा और पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शरीर को भी पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। महात्मा गांधी का जन्म शाकाहारी परिवार में हुआ था। गांधी जी ने आजादी मिलने से पहले कई मौकों पर उपवास रखे। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 70 उपवास रखा। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिन का था। महात्मा गांधी ने 1913 से लेकर 1948 के दौरान ये सारे उपवास रखे थे, यानी कि आजादी मिलने के बाद भी उन्होंने उपवास रखा था।
धन्यवाद, मैं आपका सर्वज्ञ राज।